होगा। देखिए कबूतर कैसे पाला गया, ये देखिए ये निकला है कबूतर। सर कबूतर का बच्चा जो है हम लोग मार्केट से ला के पालते हैं। इतना ही बड़ा बेच देंगे? इतना ही बड़ा बेचते हैं, इससे बड़ा नहीं बेचते हैं। मतलब कबूतर से साल भर में लाखों कमा, इसका खेती करते हैं, कबूतर का खेती। हाँ, बराबर बेचते हैं मार्केट में। अभी मैं जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर कबूतर पालन होता है। ये जो आपको मटके दिख रहे हैं यानी घड़ा, इसी में कबूतर को पाला जाता है। और कबूतर पालने वाला कोई और नहीं भैया है। जानकर आश्चर्य हुआ कि घड़ा में काहे ये ऐसे घड़े घर के सामने काहे बांधे हैं, क्योंकि उधर भी रखा गया है घड़ा, ऊपर छत पर भी, और दो चार कबूतर हैं। तो मैंने सोचा ये दाना चुगने के लिए यहाँ पर आते हैं, इनको इसी में पानी डाला जाता है। लेकिन इनसे पूछने पर पता चला कि ये कबूतर पालते हैं और एक जगह एक घड़े में नहीं पालते हैं, बल्कि यहाँ पर लगभग 100-150 घड़ा है। दिखाएंगे एक बार में, 100-150 घड़ा है यहाँ पर, और सब में कबूतर पालन होता है। आज तक आपने मुर्गी पालन सीखा होगा। देखिए कबूतर कैसे पाला गया, ये देखिए ये निकला है कबूतर। आपने आज तक मुर्गी पालन देखा होगा, बत्तख पालन देखा होगा, जो है मत्स्य पालन देखा होगा, मछली पालन देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको कबूतर पालन दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, ये कबूतर है 3-4 गो, ये सब चुन रहे हैं। अब मैं भैया देखिए, एक कबूतर यहाँ भी है, ये देखिए ये निकला है अभी ये कबूतर, और ये सारे कबूतर इसी में पाले जाते हैं। एक भैया हमारे साथ, इनसे पूछूंगा कि कबूतर कहाँ से लेके आए हैं, कहाँ से लाए कबूतर? कबूतर का बच्चा जो है हम लोग मार्केट से ला के पालते हैं, उसके बाद घड़ा लाते हैं पंडित के यहाँ से, और कबूतर हम लोग इसका खेती करते हैं। कबूतर का खेती? हाँ, बराबर बेचते हैं मार्केट में। अच्छा, तो किस लिए बेचते हैं? पैसा के लिए और बेचते हैं। तो जो खरीदता वो क्या करता है? लेके खाता है। खाता है कबूतर को? सच में कबूतर भी खाया जाता है? खाया जाता है। हाँ, तो मतलब ये कबूतर का जो है फार्म हाउस बना दिया आपने यहाँ? हाँ, यहाँ पर बना दिए हैं। तो कितने रुपए का एक कबूतर बेचते हैं? हम लोग जोड़ा बेचते हैं वैसे 200 रुपये, 100 रुपये पीस, और त्योहार में बेचते हैं 500 रुपये, 800 रुपये जोड़ा। तो हम तो सुने थे कबूतर खाना पाप है, ये तो चिट्ठी उट्ठी भेजने के काम आता है। नहीं, इधर तो झारखंड में तो हम लोग तो यूज करते हैं, खाते हैं सब। अच्छा, झारखंड के लोग खा जाते हैं? हाँ, इसको कबूतर। अच्छा, पालते हैं, जिस तरह मुर्गे खाते हैं उस तरह कबूतर भी खाते हैं। अच्छा, ऊपर भी आपने घड़ा लगा रखा है? ऊपर में लगाए हैं। अच्छा, इस घड़े का क्या काम है? ये घड़े में इसी में बच्चा देता है, खोंदो बनाते जिससे घोंसला लगाते हैं, और बच्चा देता है बराबर 15 दिन में अंडा देता है, 15 दिन में बच्चा खोल के तैयार करता है। मतलब एक महीने में एक बार बच्चा देता है। तो कबूतर ही बच्चा देती होगी ना? हाँ, तो दो रहता है ना, कबूतर और कबूतरी। अच्छा, कबूतर कबूतरी दोनों रहती है? हाँ, तो जो है कबूतरी बच्चा देती है और इसी में दोनों रहता है। तो एक कबूतरी कितना अंडा दे देती है? फिर दो अंडा देती है। दो अंडा कितने दिन पर? 15 दिन में तैयार करता है, एक महीना में अंडा देती है बराबर। एक महीने के अंडा में अभी कितना कबूतर और कबूतरी होंगी आपके पास? कबूतर और कबूतरी दोनों मिला के है 200 हैं। और ये खाते क्या हैं? खाता है चावल हम लोग देते हैं। हाँ। और चावल का जो खुदी होता है वो देते हैं, गेहूँ देते हैं। अच्छा, इधर आइए और बात करेंगे। देखिए ये पूरा एकदम से कबूतर पालने वाले आपको लग रहे होंगे, पूरी तरीके से वैसा ही वेशभूषा इनका है। और ये देखिए ये सब घड़ों के अंदर जो है ये कबूतर ही है। अब यहाँ पर कबूतर बैठे हैं, इसी में टट्टी पोट्टी लेटरिंग सब करते हैं, सब यही करते हैं। और साफ करते हैं 8 दिन में, 8 दिन में एक बार साफ करते हैं। अच्छा, हमको स्मेल आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है क्या? इसका जो है बदबू हल्का फुल्का आता है, मुर्गा पालन करते तो बदबू नहीं आता है? हाँ, वो भी सही कह रहे हैं। अच्छा, कबूतर जो है वो मरता उरता तो नहीं है जो है गर्मी वर्मी के कारण? नहीं, गर्मी से नहीं मरता। नहीं मरता है? अच्छा, ये बताइए अभी एक कबूतर आप बता रहे हैं कि 100 रुपए का बेचते हैं और त्योहार में 500 का, और अभी आपके पास 200 कबूतर है। अच्छा, तो ये बाहर खाने के लिए जाते हैं या उधर भी जाता है? हर जगह जाके चर के आता है आधार करके। हाँ, तो उसको पता चल जाएगा कि हमको बेच देगा तो हो सकता आपके घर में वापस ना आए? तो नहीं, बच्चा रहता है ना, बेचने वाला बच्चा तैयार होता है वही बेचते हैं, डड़िया नहीं बेचते हैं। अच्छा, बड़ा नहीं बेचते? बड़ा नहीं बेचते, वो मतलब जो खरीदेगा वो पाल पोस के बड़ा करेगा। हाँ, तब खाएगा, बड़ा नहीं बेचते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे घड़े हैं और उस घड़े में बहुत सारे कबूतर हैं, और जो है पुराने समय में बाप दादा के जमाने में, अंग्रेजों और मुगलों के जमाने में कबूतर का उपयोग चिट्ठी भेजने, ले जाने, ले आने का संदेश देने का कार्य होता था। लेकिन ये यहाँ पर कबूतर की खेती कर रहे हैं, और ये दृश्य देखकर अपने आप में मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर या इस गांव में कबूतर की खेती क्यों होती है, यानी कबूतर पाले क्यों जाते हैं और कबूतर रखे क्यों है। बच्चा दिखाएंगे एक आध?
बच्चा भी है, दिखाइए कार्ड लेके। अंधेरे में कॉलोनी में भी है। ये देखिए कबूतर का, ये कबूतर का यही बच्चा हम लोग बेचते हैं, ये बच्चा है ना। हाँ। इतने थोड़ा बहुत छोटा और बड़ा यही 100 रुपया में, 100 रुपया में बिक जाएगा, बिक जाएगा। और ये इसको खिलाए पिलाएगा कौन? अभी अभी सब खिलाता है कबूतर, कबूतर लाके अपने खिलाती है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। इधर खाली चारा देते हैं, वो अपने लेके खिलाता है। अच्छा, वो अपने लेके। और जब इसको ये अपनी माँ से या अपने बाप से बिछड़ जाएगा तो रोएगी नहीं? नहीं, रोता नहीं, अपने आप से जिस इसका पंख हो जाता है ना तो अपने आप चारा करने लगता है और अपने ही फिर दूसरा। नहीं तो इसको बेच देंगे तो उसको गायब मिलेगा, उसका बच्चा गायब हो तो रोने लग जाएगा? नहीं नहीं, वो सब नहीं होता है। नहीं रोता? नहीं रोता नहीं। हाँ। और फिर वो भागेगा नहीं? नहीं, फिर ये जैसे घड़ा से निकाल दीजिएगा फिर तुरंत वो खोंधो लगाकर अंडा दे देगा फिर। अच्छा, एक कबूतर कितने दिन तक जीवित रहता है कुछ पता है? कबूतर या कबूतरी? कबूतर हम लोग ध्यान से यही देखते हैं, 10 साल तक जीवित रहता है। 10 साल तक? 10 साल तक। और एक बार कितने मतलब कितने साल के बाद अंडा देना शुरू करता है? अंडा 15 दिन बच्चा खोलने में लगता है, फिर 1 महीना में फिर अंडा दे देता है। एक महीना में कितनी बार अंडा दे देता है लगभग? एक बार दो अंडा दे देता है। चलिए, और वो अंडा खाने का काम नहीं बल्कि उसे आप कबूतर और कबूतरी बना देते हैं और इसके बाद तब बेचते हैं। हाँ, अंडा नहीं कोई खाता है, बच्चा ही पालन करते हैं, बच्चा पालन को। अब देखिए यहाँ पर इस घर में एक छोटा सा रोजगार उत्पन्न किया गया है कबूतर पालकर। यहाँ पर आपको लाइन से घड़े मटके दिख रहे होंगे, उधर भी आपको जो है कमरे में भी घड़े और मटके बहुत सारे दिख रहे हैं। और ये पूरा एक प्रकार से बिल्डिंग जो है ना, इसमें पूरी तरीके से कबूतर ही पालन होता है। कबूतर यहाँ से उठकर दूर जाता है चर के, इसके बाद दाना चुककर यहीं पर फिर आता है। नॉर्मल के समय, नॉर्मल दिनों के समय में 100 रुपए का, और जब तीज त्योहार आता है तो 500 रुपए का बेचते हैं। हाँ, इसी तरह हम लोग बेचते हैं बराबर सप्ताह में। शनिवार का हम लोग का सप्ताह होता है, शनिवार को लेके बेचते हैं। मतलब कबूतर से साल भर में लाखों कमा, 1 लाख हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत आभार इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का। बाकी धन्यवाद।